दोनों में मेहनत है, दोनों में एक दिन में कुछ नहीं होगा। मगर रही बात तो पढ़ाई में थोड़ा ढीला दे दिया हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मॉर्निंग के 9:53 हो रहे हैं और अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह सुबह गया हुआ था जीलिंगोड़ा नहाने, एकदम मस्त खेला टूडू और मैं, जहाँ आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, गया था, फिर आके सो गया था एकदम। ब्रेकफास्ट में तो गुलगुला खा लिया था आते टाइम गाइस। मम्मी लेटी हुई है, हाँ, खाना चढ़ाए हैं। सब कमेंट करते हैं खाली मम्मी सोते रहती है, क्या बात है। मम्मी को बोलो उठो उठो, चलो बैठो बैठो। सब बोलते हैं खाली बैठे रहती है मम्मी, सोने मना। मम्मी गर्मा गर्म चावल चढ़ा रखी है, ये देखो गाइस पूरा उबल रहा है। तो मम्मी अभी खात्मा कर रही है तरबूज का। ये देखो गाइस मम्मी देख रहे हैं। स्कूल का दिन याद आ गया गाइस, जो छुट्टी होता था कभी कभार ठेला लगता था तरबूज का। तरबूज तरबूज का टेस्ट काफी अच्छा है गाइस, एकदम मीठा। खाते हो कितना क्यूट लगता है बाबा। ले ये ली बाबा, चापुर चापुर आदमी है। ये लो लो। तुम्हारा आज है एग्जाम, आज एग्जाम है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री सर से ऊपर पार हो चुका है, हिस्ट्री तो होने वाला नहीं अपने से। पढ़ना तो काम बेसी करता है। देखो गाइस रही बात हिस्ट्री का, नंबरिंग का 1976, इसमें मायने रखता है नंबरिंग का, जो ईसवी बोलते हैं तो वो सब मायने रखता है, बट वही सब भूल जाते हैं। तो अब देखते हैं कैसा जाता है। सो कॉलेज ड्रेसअप निकाल लिया हूँ, फटाफट तैयार हो जाता हूँ गाइस। खेला को भी बोल दिया हूँ तैयार हो जाओ यार, आज लेट मत करना है किसी तरह, बस जल्दी जल्दी चलना है। तो फटाक से ना मैं तैयार होकर आप लोग से मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ, बस बुक वगैरह को बैग में भरते हैं। तो ये वाला बैग ले जाऊंगा पवन का, वैसे वो ब्लैक वाला बैग लेके गया है स्कूल, तो वो तो आएगा 1:30 बजे, नहीं तो वो वाला ले जाता, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा रेड वाला बैग से। बाकी ये फेवरेट बैग है। पवन का कॉपी वगैरह निकाल के रख देता हूँ गाइस, और क्या है, कुछ नहीं है। ये बुक मैंने भर दिया। पवन इज बैक स्कूल से। ओहो जिमी, अरे खुश हो जाओ यार, जल्दी आ गया। चुम्मा दे दो, चुम्मा दे दो जिमी को, दे दो ना, दे चुम्मा चुम्मा दे जिमी। बाबा ले, मेरा दादा आ गया। इली बाबा 10:30 बजे छुट्टी हुआ, इडली खाया बस ना, पैसा लेके नहीं गए। सो फाइनली गाइस 11:05 हो चुका है। सो अभी चलते हैं फटाफट कॉलेज। खेला नीचे आया हुआ वेट कर रहा है, आ रहा हूँ खेला। अरे बाप रे बाप, देखो गाइस खेला गाड़ी एकदम वैसे ही था पहले से, आ रहा हूँ एक मिनट। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं, चलिए अपा लेट हो रहा। फाइनली गाइस फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग हैं फैक्ट्री का गोल चक्कर में, वो पापर है। तो अभी जो कि हम लोग टैब देखे थे खेला का, वो टैब को रिपेयरिंग करने के लिए। अभी तो बहुत जोर से प्यास लग रहा था, इसलिए कहने मतलब यहाँ आए हैं, तो ये लस्सी पियेंगे और उसके बाद तो सब निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो साउंड का एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है, इसलिए उसको कॉलेज छोड़ने के लिए आए थे, उसको छोड़ दिए हैं और साथ ही आप छोड़ दिए हैं, तो वो तो अपना टेम्पू से, एग्ज़ाम होने के बाद उसे अपना टेम्पू से निकल के आ जाएगा घर। और अभी अब क्या बोलेंगे, अभी अब तो हम जाएंगे घर, निकलेंगे घर और बाकी लोग फोन करेगा। तो गाइस मैं अभी सो के उठ गया हूँ और पूरा तेल तेल हो गया है, आँख कान मुँह पूरा, पहले नहाऊंगा। तो गाइस अभी अच्छा ठीक लग रहा है नहाने के बाद, क्योंकि बहुत गर्मी था गाइस और तेल तेल हो गया तो पूरा फेस। और सबसे पहले अभी खाना खाते हैं, खाना खा लिया हूँ और रेडी भी हो गया हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने, पापा भी तैयार हो गए हैं। चलूंगा साथ में, कोई दिक्कत ना? दिक्कत, चलूंगा, चलते हैं गाइस। तो भी जाएगी घूमने, मैं कहाँ रहूँगा। अरे जिमी कहाँ घुसा है, पैर दिख रहा उसका। अरे बाबा जिमी अकेले रहेगा, आ जाना जल्दी पापा। जिमी को छिपाए हैं, जल्दी जाओ। अभी हम लोग आए पापा का दवाई लेने, क्योंकि पापा का पेट दर्द दे रहा है। तो हाँ ले लिया टैबलेट। कैसे दर्द दे रहा है? तो चलते हैं गाइस, दवा ले लिया पापा होटल में। So my life.
I never felt like so in love is so exciting cause you're so. तो गाइस अभी हम लोग आए थोड़ा सा ये जंगल में ठंडा पाने के लिए गाइस, तो हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं था इधर आने का, चाहे तो हम लोग मॉल भी जा सकते थे ठंडा पाने के लिए थोड़ा सा घूम लेने के लिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं गए। एक बात है, कुदरत का जो ठंडा है ना जो एसी में भी नहीं है, इसलिए हम लोग घूमने आए हैं इधर। क्या घना जंगल हो गया गाइस, रात होने वाला है गाइस, हम लोग इस टाइम में पहुंचे हैं, देखो सब तरफ अंधेरा होने वाला है, पहाड़ सब तो इतना अंधेरा हो जाएगा ना रात को गाइस। हम लोग इधर जा रहे हैं, बाप रे क्या मस्त जगह है, वो सब काला पेड़ दिख रहा पहाड़ वाला, अरे वाला कलते हरा दिख रहा का ये, इसलिए कि ये क्या मतलब नया पत्ता झड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है, पत्ता नया पत्ता झड़ा नहीं पुराना पत्ता झड़ा, पुराना पत्ता झड़ा नया पत्ता निकला, और वहाँ कुछ कुछ झड़ा है और कुछ नहीं झड़ा है, जिस वजह से वो काला दिखाई देता है। पेड़ सब देखो ना गाइस कितना काला लग रहा है इसका अंदर, अभी जो शाम है ना, और शाम होने ही वाला है, हम लोग किस टाइम पहुंचे, इस टाइम पहुंचे हम लोग, सुबह निकलना चाहिए, सुबह निकलना चाहिए था, जो भी लगता जगह ठंडा भी है, सांप का बिल होगा सर, कुछ भी हो सकता है, देखो देखिए बिल चूहा बनाया होगा जी, चूहा कुछ भी हो सकता है यार, वो तो खैर बात सही है, सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो गाइस चिड़िया का आवाज दे रहा है या कोई चुड़ैल का आवाज दे रहा है, ये चुड़ैल है क्या आप है? वो देखो वो दे। तो गाइस हम लोग वाला सोच रहे हैं पहाड़ में जाएंगे थोड़ा सा बैठेंगे फिर चलेंगे जल्दी, क्योंकि रात भी होने वाला है, रात भी काल बहुत सारा जानवर भी सोते हैं, पेड़ सब भी सोते हैं, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, क्या निकल जाएगा रात को, कोई ठिकाना नहीं है। पहली बात रही है कि अभी शाम हो गया ना, शाम सब जानवर चलते आ रहा है, सब जानवर का मतलब है कि वो जंगल में चला गया होगा ना, तो हम लोग थोड़ा सा यही जगह जाएंगे और थोड़ा सा देख हरा हरा पेड़ जो है उसी को देखेंगे, और क्या गड्ढा खोदा है हाँ, इसलिए ये ताकि कोई जानवर आगे आगे नहीं जा सके, ऊपर वो जंगल में नहीं जा सके, इसलिए गड्ढा खोद दिया है, बड़ा सा गड्ढा है देखो हाँ, ताकि कोई जानवर वो जंगल में जा ना सके, फान तो लेगा जानवर से, नहीं नहीं फान सकेगा, हमको वीडियो में लेता है यार, हमको बोलने नहीं देता यार, तुम कैसा आदमी है यार, बोलने दो यार, दिचिक कर रहा है सब जानवर को, अरे यार जानवर तो अपनी जगह ना है यार, वो तो अपनी जगह है, हम भी अपनी जगह है, थोड़ी इसको हम डिस्टर्ब करेंगे यार, डांस कर दीजिए तो डांस मस्ती मस्ती मस्ती, आप यही जगह रह दीजिए, आप है ये जगह रह लीजिए, रह ले जाए अकेले हाँ, कैंप बना के, कैंप बना के, अरे बाप रे बाप, पूरा तो अभी ऐसा लग रहा है, तो रात को रुकेगा तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि रात भी होने वाला, रात तो हो ही गया है गाइस, रात नहीं हुआ है मगर शाम हो गया है, सूरज डूब गया है, तो कहने मतलब की अब शाम हो ही चुका है, अगर अब रात होने से पहले यहाँ से हम लोग घसक चलते हैं, चलते हैं क्या ठीक है। तो गाइस आज तो पवन करमल लबे की वीडियो शूट वीडियो बनाया है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है इसका बनाने में जो स्टाइल है वो अच्छा है या क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इधर अभी ये अभी आ रहा है, अभी जस्ट कॉलेज से आ गया मैं, ये भी कॉलेज से आ गया अभी आया है, अरे तो ऐसा स्टाइल मार रहा है ना हनी सिंगर, कौन घड़ी पहन लिया, तो गाइस यही बोलना चाहते हैं बस बिंदास और कोई टेंशन नहीं, भी आ गया कॉलेज से, पता नहीं क्या क्या लिखा बस में आए गाइस, एकदम ट्रैवल करके भाई साहब, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मजा आ गया, बहुत भीड़ भड़का था, नर्वस और थे गाइस, जब स्टॉपेज आएगा तो कैसे उतरना है भाई साहब, इतना भीड़ में, दीदी दीदी हटिए शायद हटिए, खैर जो भी हो वो तो एग्जाम था और एग्जाम में तो भीड़ भड़का रहेगा बस में ही, और क्या बोले बस कमेंट करके बताइएगा पवन ने आज कैसा ब्लॉग किया है और क्या बोलेंगे, और अपना ध्यान रखिए।